हेलो गाइज, वेलकम बैक टू आवर चैनल। दिस इज़ फैजान। दिस इज़ प्रतीक। सो गाइज, एक और इंटरेस्टिंग सा वीडियो लेकर हाजिर हैं हम, और ये एक इंटरव्यू होने वाला है हानी आमिर का, फनी इंटरव्यू विद वॉइस ओवर मेन एपिसोड 27। तो स्टार्ट करते बिना कोई टाइम वेस्ट किए, हियर वी गो। जी हाँ, आज हमारे साथ जो मेहमान स्टूडियो में मौजूद हैं, उनका फिल्टर बचपन में टूट गया था लेकिन क्योंकि ये है बेबी डॉल और वो भी सोने की, इसलिए इनका मुंह फट होना लोग बर्दाश्त कर लेते हैं। इनमें और मेरे में एक और चीज़ कॉमन है गुलबदन होने के अलावा, और वो ये है कि हम दोनों जहाज में लोगों की वीडियोस बनाते हैं। जहाज में वीडियो बनाते हैं। और ये ना महरम मर्दों की। आइए मिलते हैं सोशल मीडिया सेंसेशन, ड्रामा क्वीन, साइको डिवा, जनान से परवाज से आह तक मेरे बच्चों की फ्यूचर स्टेप मदर मिस हानिया आमिर। आपने लड़कों को अपनी उंगली पे नचवाने का आर्ट कहाँ से सीखा? क्या आपने कोई ऑनलाइन कोर्स किया है लड़कियों को घुमाने का उंगलियों पे? कुछ नेचुरली होता है, मैंने तो अच्छा नेचुरली नेचुरली जेनेटिक्स में शायद। आप ये बताएं कि वैसे तो आप जब आप शादी करेंगी तो किस टाइप के लड़के से शादी करेंगी? लड़का लोडेड हो यानी कि मालदार हो, लड़के के 12 पैक्स हो आजकल जिस तरह एक्स्ट्रा चलो उसके लिए यहाँ भी मसल है, या फिरोज टाइप हो। नंबर थ्री, लड़का आपका नौकर स्लैश स्लेव बन के रहने को तैयार हो कि वो आपकी खिदमत करे और ये करो वो करो डांस करो स्ट्रिप करो इस टाइप की चीज़ें, या फिर लड़के की फ्रेंच बियर्ड हो और डैड बॉर्ड हो? खुद को पता चल रहा है। नहीं, गुड लुकिंग हो, हाँ 12 पैक हो, 12 पैक पैसे मैं कमा लेती हूँ, नाच खुद हो लेगा, काम शाम मैं अच्छी हूँ कर लेगा मेरे। क्योंकि मैं देख रहा हूँ आपसे कोई स्पाइसी जवाब निकल रहा नहीं है। ठीक है जी, ओके। नंबर वन, मैं इंडस्ट्री में आई हूँ लोगों का ब्रेकअप कराने के लिए। हरीम फारूक मेरी ममानी है? नहीं नहीं लगती है वैसे। अच्छा, फिर जनान में अरमीना के बजाय मैं अकेली भी होती तो काम चल जाता? नहीं नहीं, ट्रू के फॉल्स? मैं खुद नहीं होती तो भी काम चल जाता। कभी मुझ पे लाइन नहीं मारी? क्या बात करी यार आप? नहीं नहीं, ट्रू। अरे वो जिंदा लड़की को छोड़ता है? नहीं, और गुलबदन बहुत है, मैं बहुत छोटी हूँ। अच्छा अच्छा, गुलबदन। आयशा खान और उष्णा के बाद मैं इजीएस्ट पर्सन टू वर्क विद हूँ? मैं इजी हूँ काम करने। इजी है? हाँ, मतलब खुशी से काम कर लूँ। खुशी से काम कर लूँ। आपका कंपैरिजन कोई नहीं है आयशा या उषा? जी जी जी, उतनी इजी नहीं है आप? नहीं नहीं, उतनी इजी, उतनी इजी, उतना इजी कोई भी नहीं है ना वैसे, है ना? उतना इजी कोई नहीं। मैं इंडस्ट्री में सब बॉयज को फ्रेंड जोन कर चुकी हूँ और सब गर्ल्स को चुड़ैल जोन कर चुकी हूँ। सब गर्ल्स को नहीं, एक दो रह गई। सब गर्ल्स का नहीं, मतलब कुछ तो करा है। नहीं मतलब सारे ठीक, बहुत कोई को कर रहा है, वॉइस को फ्रेंड जोन कर चुके हो, सबको कर दिया। हाँ हानिया, मेरे अलावा आप इंडस्ट्री में कितने वर्जन्स को जानती? किसी को भी नहीं। किसी को नहीं, किसी को भी नहीं, सारी फारिग। हाँ जी, फारिग। इत्तेफाक से मेरे पास कुछ कमेंट्स हैं यहाँ पर आपके लिए, सुनेंगे आप? जी सुने। हांडू 99 कहते हैं, हानिया आप सोशल मीडिया पे कितना खर्चा करती हैं टू बाय फॉलोअर्स? नहीं मैंने खरीदे नहीं कभी। भूतिया 000 भूतिया छः मिस हो गया मेरे ख्याल में। कभी कभी यही दिल चाहता आगे। मुझे आज तक सही तरह अंदाजा नहीं हो पाया। बहुत अच्छा लेवल है मेरा दोनों का, बैलेंस है। हाँ जी, बहुत अच्छा बैलेंस। अच्छा, पेंडू में पेंडू हो जाती है? हाँ जी। अच्छा, और भरगरों को पेंडू बना देती हूँ। बना देती हूँ? BCMC 007 BCMC 007
BCMC007 कहते हैं, हानिया आप प्लीज़ मेरे भाई से शादी कर लें, उसकी शक्ल बिल्कुल ऋतिक रोशन से मिलती है, उनका नाम है शरियार मुनव्वर। मुझे लगता है आपने पहली दफ़ा अपने शो पे उनका नाम सही लिया ना। हाँ अच्छा, आप देखती रहती है इसका मतलब। मैं कहूँगा बानवीर, कहूँगा मैं, कहूँगा मैं, सात दिन मोहब्बत दिन कहूँगा मैं। हम चलते हैं अपने एक्सट्रीमली ओरिजिनल सेगमेंट की तरफ। ये तो आपको पता है क्या है, क्योंकि जो मैं नाम, जो मैं वर्ड बोलूँगा और जो पहली चीज़ आपके दिमाग में आती है आपने मेरे, अंडा पराठा, नाश्ता, गोलगप्पा, खाना, उल्लू का पटा, यासिर, मैं, कुबरा खान, मैं, बहुत अच्छे, आज रजा मी, सज्जन, पहला क्रश, एड्रेस, नाम बताएं, हसन, 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 हसन को इस पर बहुत हसद हो रहा है कि आप यहाँ पहुँच गई और वो वहीं का वहीं। आखिरी क्रश, कोई भी, गे लॉर्ड्स, गे लॉर्ड्स, एक होता है ये और फिर होते हैं गे लॉर्ड्स जो कंट्रोल करते हैं इनका सारा सोसाइटी। पहली चीज दिमाग में क्या आती है, नहीं बोलेगी? तानिया कैटवॉक ने कहा है कि अपना फिल्टर, तानिया कैटवॉक, कि अपना फिल्टर लगा के आज इंटरव्यू दें क्योंकि शी गेट्स इनटू ट्रबल और फिर उनकी फिल्टर लगा के आ गई बोल रहा हूं। नहीं नहीं, फेवरेट को स्टार, फेवरेट को स्टार यासिर ही रहा। लड़कियों में, लड़कियों में कुबरा। फेवरेट लेस्बियन, फेवरेट लेस, सॉरी बेस्ट फ्रेंड, सोचने लगी, सॉरी लिखा है, सोचने लगी, मतलब है फेमस बेस्ट फ्रेंड। फेमस बेस्ट फ्रेंड क्या होता है, फेम मतलब मेरी फेवरेट बेस्ट फ्रेंड, हां हां, सबीना सैयद। ये कौन है? अच्छा प्रायर, नॉट शोबिज, नहीं नहीं शोबिज, सबीना, हां जी, नहीं है अभी, परवाज में आ रही है। आ ओके, वर्स्ट को स्टार, दिमाग की दही कर दी हो जिसने, कितने नाम लो, आप फर्स्ट लेटर बता दीजिए, कौन है ए। सोशल मीडिया, वन वर्ड, सोशल मीडिया मावरा। अवार्ड फंक्शन, रूल, पाकिस्तानी सिनेमा, अच्छा, जनान के परवाज़े जुनून, जनान, उर्वा के मावरा, मावरा, शलवार कमीज की जीन की पैंट, अब शलवार कमीज, शलवार कमीज, अभी वैसे आपने बच्चों के कपड़े पहने, मैंने देख रहा हूँ ज़ारा किट से लिए। हाँ वैसे आपको ज़ारा किट, वैसे पता है आपको और इकरा को बच्चों के ब्रांड इंडोर्स करने चाहिए। मुझे बबल कमर्स के जूते ही मिलते हैं, है ना? हाँ जी, मुझे पता था, मेरा साइज नहीं मिलता। अगर आप दोनों मिलकर एक ब्रांड बच्चों के, हाँ हाँ, छोटे इंसानों के, आप और इकरा बनाए ना, हाँ इकरा, इकरा, इकरानिया, अच्छा चलेगा वैसे। हमारे घर में भी एक दो हैं इस साइज की। हो यार के प्यार, क्या यार के प्यार, क्या मतलब यार, दोस्त, बर्गर, यार, यार, यार के कारोबार, कार, यार, यार बोला था, कारोबार, यार के साथ, कारोबार, यार के साथ, यार के साथ कारोबार, के प्रोडक्शन हाउस बना, हाँ गुड आइडिया, विजन है लड़की बच्ची के अंदर, टीवी के फिल्म शूट दोनों में महारत हासिल की है, फिल्म ना, मायरा हफीज खान के सबा कमर जमान, कौन सी मायरा हफीज खान के सबा कमर जमान, दोनों बहुत अच्छी हैं, एक आपकी, नहीं दोनों अच्छी हैं, दोनों अच्छी हैं, हमजा अली अब्बासी या अहद रजा मीर, या दोनों, अहद रजा मीर, अहद, बल्कि दोनों भी नहीं, कोई तीसरा, शाज खान, तीसरा, मुझे लड़की है सिंगर, नहीं परवाज में ना, ओ एला है, ए व्हाट, जो एला ए से आया है, एला ए से आया, वो शाज, वो शाज, शाज खान, हाफ पठान हाफ अंग्रेज, आई नो हिम। हानिया पिछले साल इनमें से आपकी फेवरेट फिल्म कौन सी रही, कौन सी, द एम्पायर स्ट्राइक्स फ्रॉम द बैक, एस वेंचुरा, गेम ऑफ बोन्स, फॉरेस्ट हम, गुडविल हंपिंग, हॉट बबल गम, या आर्मेगेडन ऑन, आर्मेगेडन, हाँ वो बेस्ट थी वैसे उसकी, मुझे नाम वो याद रहा इनका, उसकी लाइट अच्छी थी उसमें। हानिया अगर आप लिफ्ट में इन लोगों के साथ बंद हो जाएं तो आप इनको क्या कहेंगी या करेंगी, अर्मीना राणा खान, मैं कुछ भी नहीं कहूँगी, कुछ तो कहेंगी, नहीं वो खुद काफ़ी बातें करके मैं जवाब दे दूँगी, अच्छा, बिलाल अशरफ, मैं ईयरफोन्स लगा लूँगी, कोई बहुत बोलते हैं, बहुत बुरे जोक्स मारते हैं,
कौन? बिलाल अशरफ। बहुत बड़े जोक्स मारते हैं। कोबरा खान, वो उससे पुरानी जमाने की बातें कर लेंगे। चैटिंग है काफी, वो भी ना। हाँ, लेकिन उनकी आधी बातें मुझे समझ नहीं आती, पता नहीं क्या बोल रहे। कोबरा है ना। हाँ हम देसी। रणबीर कपूर। रणबीर कपूर क्या कहेंगी या करेंगी? ये बताएं कि हमने सुना है कि परवाज़ है जुनून के सेट पे आपने मायरा को कटवा दिया। नहीं मैंने नहीं कटवाया। ये कौन सा जादू टोना है? मायरा पे तो कोई असर ही नहीं करती है। मुझे पता है, मैंने कुछ नहीं किया। फिर क्या हुआ? वो किसी और ने कराया होगा, मैंने तो नहीं कराया। हाँ। ये बताएं, आप अगर फ्रेंड्स की कास्ट में होती तो कौन सा कैरेक्टर होती? कौन सा कैरेक्टर होती इन रियल लाइफ? इन रियल लाइफ में होती मैं शायद रेचल होती। रेचल होती, वेरी गुड। ये सवाल आपने सुना हुआ होगा क्योंकि मेरा फेवरेट है कि अगर 50 शेड्स ऑफ ग्रे पाकिस्तान में बनती है तो आप कर लेती हूँ किरदार मिस्टर ग्रे वाला? इस सेगमेंट का नाम है जजमेंटल सेगमेंट। अच्छा, जो लोग आपको वैसे ही करते हैं तो हम भी आप कोशिश करेंगे आज आपको जज करें। आप सिगरेट पीती हैं? नहीं। आप ने कभी मुजरा देखा है? मुजरा नहीं, बहुत ख्वाहिश है। ख्वाहिश है? ख्वाहिश है। नहीं आप नहीं, आपके साथ नहीं। आप डिस्टेंट दोस्तों की बहनों की शादियों पे भी डांस कर लेती हैं? नहीं, एक्सक्लूसिव है। एक्सक्लूसिव रहती हूं। आगे चलते हैं। आपने कभी किसी किस्म का ड्रग्स किए हैं? नहीं। आपने कभी आपका अभी हाँ सेट पे कभी आपका दिल किया कि किसी के मुंह पे रख के चपेट दूँ? हाँ हाँ, बहुत दफ़ा। क्या आपने किसी एक्टर या एक्ट्रेस का कभी रोल करता है? नहीं। कि इसको निकालो, इसको निकालो, वरना मैं नहीं करूँगी बॉस, मैं सीरियस हूँ, नहीं करूँगी। नहीं नहीं, ऐसा नहीं किया कुछ? नहीं नहीं नहीं, मैं आखिरी इंसान होती हूँ। मुझे लग रहा है दुनिया की सबसे अच्छी है ना पे आज आ गई हैं, बिल्कुल बनी फैक्ट्री टेलर मेड मैरिज मटेरियल और एक्ट्रेस, कभी इनने कुछ ही गलत मैरिज मटेरियल। बिल्कुल। आपने रिसेंटली मैरिज मटेरियल जाहिद और यासिर हुसैन दोनों के साथ काम किया। जी जी। तो इनमें से कौन ज्यादा सेक्सफुल है? सेक्स वो तो उन्हीं को पता, मुझे आपको ज्यादा इनमें से कौन सेक्सफुल लगता है? मतलब वो आप इंग्लिश नान मेरी टेस्ट करें ना, आप समझ तो रही है ना मैं क्या कह रहा हूँ। मतलब कौन सेक्सफुल है ज्यादा? सक्सेस सेक्सी सेक्सीफुल इनमें फर्क है ना। अट्रैक्टिव कौन है ज्यादा? हाँ ये मैं सोच रहा था। ये बताएं इनमें से कौन सी लाइन आपको अच्छा डिफाइन करती है? ये हमारे यहाँ ट्रक आउट होता है और रिक्शों के पीछे जो लिखा हुआ होता है, बड़े फलसफाना बात है। आजकल की दोस्ती से अच्छी तो नस्वार है। हिम्मत है तो पास कर वरना बर्दाश्त कर। क्योंकि हानिया रिलायबल है ब्रांड लाइन, या फिर एक लीटर में 70 किलोमीटर? पहले वाला क्या था? आजकल की दोस्ती से अच्छी तो नस्वार है। बोले आजकल की दोस्ती से अच्छी तो नस्वार है। नस्वार है। मैं भिजवाऊंगा आपके घर सप्लाई पेपरमिंट नस्वार नहीं आई है। जो मैं बोलूँ आपने रिपीट करना। ठीक है। एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस। नहीं नहीं आप मेरा वाला करें, मैं आपसे खाती हूँ। सामने देखें, अब बोले रमजान रोजा रखो जी। ऐसे ऐसे करना, रोजा रखो जी रमजान रोजा रखो जी। नेकी से अब झोली भरो जी, झोली में ये करना, झोली भरो जी। नेकी से अब झोली भरो जी। छोटा बीमारी का बहाना करके नहीं है जिन्होंने मुझे आके सिखाया है और मैं घबरा सा गया हूँ। जो हम करते हैं ऑन ज़ेनेक्स। थैंक यू हानिया फॉर जॉइनिंग अस, बड़ा मजा आया एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर एंडेवर्स एंड बॉयफ्रेंड्स। Hi guys, this is Hani Aamir and if you like the interview then like, comment and subscribe. Bata.
बहुत सही इंटरव्यू था यार, बहुत फनी था और बहुत फनी फनी क्वेश्चन पूछे और हानि आमिर ने भी बहुत एंजॉय करा और कुछ थोड़े से अलग टाइप के क्वेश्चन थे पर्सनल वाले। हाँ लाइक एक चीज़ में बहुत अच्छी लगी, बहुत सारे लोग रहते हैं लाइक वो कुछ बताने के पहले 10 बार सोचते हैं। मुझे जो सबसे अच्छी बात लगी हानि आमिर जी इनकी लाइक ये जो क्वेश्चन पूछा वॉइस ओवर मैन ने, उन्होंने क्विक मिली सेकंड के अंदर उसका रिस्पॉन्स दिया बिना कुछ सोचे समझे, भले वो किसी के बारे में सही बोल रहे गलत बोल रहे, उनको मन में जो था उन्होंने प्रॉपर वो चीज़ को उठाया सामने रख दिया, वो बात सबसे अच्छी लगी। सही है वैसे वॉइस ओवर मैन के सारे इंटरव्यू इसी टाइप के होते हैं, फनी होते हैं, वो कुछ भी पूछ लेते हैं तो हमें दूसरे इंटरव्यू भी देखना पड़ेंगे। बिल्कुल बिल्कुल हम यार वो एक कौन सा क्वेश्चन था उसमें उन्होंने कुछ पूछा था आँख मार के और हानि आमिर ने उसका आँख मार के जवाब दिया, रणवीर कपूर के साथ लिफ्ट में बदल तो तो उनकी तरफ से हाँ था वो अब वो तो वही जाने हाँ ही था यार, उन्होंने एक तो बोला था ना आया फिर आँख मार के बोला था हाँ, इन्होंने भी आँख मार दिया तो हाँ हो गया वो। सही है, उसके बाद लास्ट में जो इन्होंने बोला एक दो तीन करना है आप वो करो तो मैं करूँगी, रमजान के टाइम पे एक कव्वाली थी वो आजकल कव्वालियाँ बना देते ना कुछ भी सॉन्ग्स के ऊपर टोन में, उसी तरह से कव्वाली होनी थी, बहुत सही आनी और आनी आमिर को उसके पूरे लिरिक्स याद थे, बहुत सुन रखी होना तो बहुत फनी इंटरव्यू था, बहुत मजा आया आपको हमारा रिएक्शन कैसा लगा, बहुत क्यूट है, बहुत क्यूट है आपको हमारा रिएक्शन कैसा लगा आप कमेंट करके बताना, अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और सब्सक्राइब करें तो बेल आइकन को जरूर दबाइए। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन मेक लव नॉट वार।